मैं माधवी पाटिल, सेक्रेटरी जनरल टग ऑफ वॉर फेडरेशन ऑफ इंडिया। आज यहाँ पे 34 सीनियर मेन एंड वुमन नेशनल बॉडी के और फर्स्ट टाइम अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे पार्टिसिपेट हुआ है। उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम ये टीम पार्टिसिपेट हुई है, तो इनके पास एक्सपीरियंस थोड़ा कम था, इसलिए वो जीत नहीं सकी। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ये टीम नेक्स्ट टाइम आएगी तो अपना गोल्ड मेडल लेकर ही जाएगी। बहुत ये मुखम नौखा राजस्थान में हमारा अरुणाचल के युवा प्लेयर्स सीनियर कैटेगरी में 600 केजी कैटेगरी में हमारा 10 प्लेयर्स आए थे और कोच देन ऑफिशियल नेक्स्ट मैच हमारा साथ में सीनियर अरुणाचल 16 मुकाबला में काफी अच्छा से खेला है, तो इससे हम आ करके पहला और सीख करके जाएगा और हमारे स्टेट लेवल चैंपियनशिप कराऊंगा। हम लोग अरुणाचल प्रदेश टग ऑफ वॉर एसोसिएशन या राजस्थान में आए हुए हैं कि हमारा यहाँ टग ऑफ वॉर 34 सीनियर चैंपियनशिप टग ऑफ वॉर राजस्थान में बैकेनर में शुरू हुआ है। तो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से मोर देन 31 स्टेट लोग पार्टिसिपेट किया, हमारा स्टेट भी अरुणाचल प्रदेश भी यहाँ भाग लिया है। हम लोग राउंड ऑफ 32 में हम लोगों ने बाई में था, राउंड ऑफ 16 में हम लोगों ने राजस्थान को हराया है, राउंड क्वार्टर फाइनल में हम लोगों का टीम हरियाणा पावर से हार गया है। अभी आप देख सकते हैं मैच चल रहा है, तो हमारा कोच साहब इधर है। इस बार हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया सीनियर इवेंट में, तो जूनियर वुमेन्स इवेंट भी था, वुमेन मिक्स भी था, सीनियर मिक्स भी था, लेकिन हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। नेक्स्ट सीजन में हम लोग जरूर पार्टिसिपेट करेगा और हम लोग क्वार्टर फाइनल में हार के हम लोग बहुत दुख से वापस जा रहे हैं, लेकिन भी नेक्स्ट टाइम हम लोग जरूर सेमीफाइनल में आएंगे। थैंक यू।